फ्रेंड अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो चुका है और आप चाहते हैं कि अपना व्हाट्सएप अकाउंट 2-3 दिन में वापस जो है अनबैन करवाएं, तो फ्रेंड आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और फ्रेंड आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट्सएप का अकाउंट क्यों बैन होता है और आपका व्हाट्सएप अकाउंट किस वजह से बैन हुआ है, क्योंकि आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम एहतियात कर सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम अहसन है और आप देख रहे हैं स्टूडियो ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से व्हाट्सएप बैनड अकाउंट को किस तरह से आप अनबैन करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2-3 दिन में। क्योंकि फ्रेंड मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो बैन हो चुका था, तो मैंने उसे 2-3 दिन में वापस अनबैन करवाया था। और फ्रेंड मुझे ये नहीं पता था कि मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट किस वजह से बैन हुआ है। और फ्रेंड उसके बाद मैंने एक और व्हाट्सएप का नंबर लिया और उसके ऊपर सारे जो है पंगे लिए, तो फ्रेंड वो भी मेरा अकाउंट बैन हो चुका है। और फ्रेंड आज मैं आपको उसी नंबर के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से व्हाट्सएप के बैनड अकाउंट को अनबैन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली आईटी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन सी वो टर्म्स हैं और किस तरह से व्हाट्सएप बैनड अकाउंट को अनबैन करवाया जाता है। फ्रेंड जो सबसे पहले नंबर की टर्म है वो ये है कि अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और आप उसमें काफी ज्यादा जो है मैसेज करते हैं तो फिर आपका अकाउंट बैन हो जाता है। फ्रेंड्स याद रहे कि आपने मुख्य जो आपके काम के ग्रुप्स हैं वो ही ज्वाइन करने हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने। ऐसा ना हो कि आप 70-80 ग्रुप से ज्वाइन कर ले और बाद में कहेंगे हमारा अकाउंट बैन हो चुका है। और फ्रेंड जो दूसरे नंबर की टर्म है वो ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा पिक्चर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा शेयरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लिंक शेयर करते हैं, तो फ्रेंड्स तभी आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और फ्रेंड जो तीसरे नंबर की टर्म है वो ये है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर कुछ ऐसी चीजें शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पिस्टल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वेपन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फ्रेंड उस वक्त आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और फ्रेंड बाद वक्त ये होता है कि आप कोई एक ही ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं वो फॉरेन कंट्री से है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कोई ऐसा फॉरेन कंट्री वाला बाहर के ममालिक वाला ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, मेरे मोबाइल में कोई एक कॉन्टैक्ट उस ग्रुप में से सेव नहीं है, फ्रेंड्स तभी वो स्पैम मानकर आपका अकाउंट बैन कर देता है। तो फ्रेंड अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपना व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन करवाया जाता है। फ्रेंड अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट मेरी तरह बंद हो चुका है, फ्रेंड उसे 2-3 दिन में रिकवर करने के लिए आपने अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट बैड हुआ होगा। फ्रेंड्स आपने इधर से एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। फ्रेंड नंबर लिखने के बाद आपने इधर से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे मैं स्क्रीनशॉट इधर से ले लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इधर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे जो भी मसला आएगा फ्रेंड्स इसका भी आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्रेंड्स मैंने ये दोनों स्क्रीनशॉट ले ली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपने इधर वही स्क्रीनशॉट ऐड कर देने हैं। तो मैं इधर से गैलरी सेलेक्ट करता हूँ और उधर से स्क्रीनशॉट ले, तो फ्रेंड ये मैंने दोनों स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इधर टाइप करना है, जो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, आपने उधर से भी कॉपी कर लेना है। तो आप इधर देख लें जो मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं इधर से पेस्ट करता हूँ, मैंने पहले से टाइप करके रखा था ताकि आपका कीमती टाइम ना जाए हो। फ्रेंड आपने इधर लिखना है, हेलो व्हाट्सएप टीम, सपोर्ट माय व्हाट्सएप अकाउंट हैज बीन बैंडेड, आई एम सेंडिंग अ यूजफुल मैसेज, आई एम नॉट डूइंग स्पैम एंड इट्स माय रियल व्हाट्सएप अकाउंट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, प्लीज अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, इट इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। फ्रेंड्स आपने इधर अपना व्हाट्सएप वही नंबर टाइप कर देना है ताकि उनके पास जीमेल जाती है ना, क्योंकि उनके पास जैसे ही जीमेल ओपन वो करते हैं तो वो अगर तो आप स्क्रीनशॉट देते हैं तो स्क्रीनशॉट से नंबर टाइप कर लेते हैं, अगर आप इधर डायरेक्ट नंबर दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके लिए आसानी भी हो जाएगी। आपने इधर अपना नंबर टाइप करना, मैं इधर से अपना नंबर टाइप करूँ, तो फ्रेंड मैंने इधर से अपना नंबर टाइप कर दिया। फ्रेंड्स आपने सिंपल ही इधर से नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो फ्रेंड आपने सिंपली नीचे दिस डजंट आंसर माय क्वेश्चन इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं कि ये एक मेरी पूरी ईमेल टाइप हो चुकी है। फ्रेंड्स आपने सिंपली इधर से सेंड कर देनी है इनको, ये इधर सेंड वाले ऑप्शन पर, तो फ्रेंड मैंने अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फ्रेंड्स आपने भी इस तरह से 2-3 बार ये वाली रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपका व्हाट्सअप नंबर 2-3 दिन में या 1-1.5 हफ्ते में रिकवर हो जाएगा, अनबैन हो जाएगा। फ्रेंड उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हुए तो इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।